बालू गुला बोलते हैं। अच्छा, आप फेमस खाने के लिए बहुत अच्छा। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट आज का क्या ब्लॉग है मैं वो शेयर करूंगी आप सभी से। तो यहाँ पे माँ है पीछे और माँ क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कि अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो फिर मकर संक्रांति में तो बहुत सारे लोगों का बनता ही है घर पे। तो बंगाली में हमारा एक है गुड़ पीठा, जिसको आरसा पीठा भी बोलते हैं। तो फिर आज माँ वो चावल धो रही है, मतलब चावल को वॉश कर रही है। फिर चलो दिखाती हूँ माँ क्या कर रही है और कैसे बनाना है और कैसे बनता है ये भी मैं शेयर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माँ यहाँ पे चावल धो रही है। माँ इधर की चावल तो अब आरवा चावल, ये है आरवा चावल। और ये जो भात बनता है वो चावल से भी बना सकते हैं ना? ये वाला नहीं बना सकते हैं, सिर्फ आरवा चावल से बनता है ये वाला। अच्छा, तो ये वाला जो आरसा पीठा है बहुत टेस्टी होता है, और ये वाला सिर्फ आरवा चावल। वो तो 15 दिन एक महीना खा सकते हैं। माँ बोल रही है कि ये वाला जो आप आरसा पीठा बनाओगे गुड़ पीठा, ये आप लोग स्टॉक करके 1 मंथ 2 मंथ 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने भी रख के आराम से खा सकते हो। तो ये माँ की तरफ से एक मैसेज है। तो घर पे सबको बनाना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता है तो आप लोग देख सकते हो इसको कैसे वॉश करना है और कैसे बनना है, ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी को ये रेसिपी जानना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बंगाली कल्चर में तो सभी को ही बनाते ही है। और जो जो बंगाली व्यूअर्स है और जो देख रहे हैं इस ब्लॉग को उन्हें तो पता ही होगा, और जो अदर कास्ट के हैं और जिन्हें नहीं पता है तो वो लोग देखना। और ये बहुत ही यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना। बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाली है, और इस मकर संक्रांति में बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग ये होने वाली है। तो यहाँ पे किसक कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। एक पिठा को खाने के लिए हम 14 तारीख का वेट करते हैं। अरे वाह, तो ये उसी समय बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माँ यहाँ पे सूप धो रही है, और इस सूप को सूप में मतलब कि चावल को माँ रखेंगी। माँ धोरबो एक टू धोरी एक टू सूप टा जलना। अच्छा, तो मैं माँ को बोल रही थी तो अगर थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो फिर माँ बोले कि नहीं नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से क्या। अच्छा, आप लोग देख सकते हो माँ बोल रही कि ऐसे अगर चावल को आप उठाओगे तो नीचे जितना भी थोड़ा बहुत जो कंकड़ होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो उससे आपको मतलब जो भी पीठा बनेगा उसमें आपको थोड़ा सा भी कंकड़ नहीं महसूस होगा। में एक पतीला रखती है ताकि जितना भी पानी है नीचे ना गिरे, ताकि वो गंदा हो जाएगा। तो एक पतीले के ऊपर में माँ सूप को बहुत अच्छे से रख दी है। गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारा चावल को मतलब कि माँ बहुत अच्छे से रख दी है, और ये पानी जब तक नहीं मतलब कि पानी जब तक सूख जाता है तब तक इसका वेट करते हैं। वेट नहीं मतलब कि सभी को लंच करके अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी सभी को रेस्ट करें, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 3 hours later तो दी ये तो चावल है हमारा, वो तो सूख गया है जैसे कि हम व्यूअर्स को दिखाएं, तो आप अभी बताओ इसको। तो ये सूख गया है, तो इसको अभी हमको क्या करना है कि सिलोटी है ना, हाँ हम लोग तो सिलोटी बोलते हैं इसको, इस पे हमको पीसना है। ठीक है, अच्छा इसको हमको अच्छी तरह से पीसना है। तो चलिए हम दिखाते हैं पीस के, उसके बाद इसको पीसने के बाद उसके बाद हम बताएंगे कि इसको क्या करना है। एकदम महीन पीसना है। हाँ, इसको पीसना है महीन, उसके बाद इसको चालना भी है। अच्छा, चालने के बाद जो आपका जो चिकनाहट जो तो वो तो निकल जाता है, छलकस रहता है। हाँ? उसको हमको फिर से दोबारा पीसना पड़ता है, जो चिकना उसका हमारा वो गुड़ पिठा जो बोलते हैं वो बनता है। गुड़ पिठा भी बोल सकते हैं, आलसा पिठा जो ऐसा पिठा जो बंगाली में बोला जाता है। हाँ? और गुड़ पिठा भी बोलते हैं, तो हम लोग इसे ऐसा पिठा बोलते हैं, ऐसा पिठा। तो इसको हमको सिलोटी में पीस रहे, सिलोटी में इसलिए पीस रहे ना क्योंकि सिलोटी में जो मजा है खाने में ना, उसमें ग्राइंडर में मिक्सर जार में कुछ नहीं है ना, नहीं इसीलिए सिलोटी में ज्यादा मतलब कि अच्छा होता। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये जो मतलब कि चावल को बहुत अच्छे से दी ने पीस लिया है, और यहाँ पे माँ इसे चाल रही है अच्छे से। तो माँ लीजिए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माँ आधा मतलब इसे चाल ली है, एकदम स्मूथली चाली। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो
तो ये बहुत अच्छा से हो गया है, एकदम स्मूथ आटा जैसे। और यहाँ पे माँ कैसे कर रही है, तो दी पानी, अच्छा कढ़ाई में पानी दे दिए थी पहले। और जैसे कि आपका चावल हमारा चावल में हाँ एक किलो गुड़, एक किलो गुड़, और एक किलो चावल कोई बना रहे तो आधा आधा किलो, अच्छा मतलब आधा, आधा, आधा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि पानी कितना देना है गाइस, आप लोग देख लो थी आपने पानी कितना दिया है, क्वांटिटी कप हाफ कप पानी, हाफ कप पानी, क्योंकि अगर पानी ज्यादा भी दे दिए तो फिर ये पाक जो है नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसको हमको अच्छा से उबालना है ताकि ये पाक हमारा अच्छा से बने। A few moments later. तो अभी देख सकते हैं आप लोग गुड़ एकदम से मेल्ट हो गया है और अभी इसमें उबाल भी आना बताएंगी, इसमें इस पानी से चेक करेंगी कि ये गुड़ हुआ है कि नहीं। तो ये ट्रिक मैं भी देखूंगी, पहली बार मुझे भी नहीं पता है। तो चलो वीडियो भी बना रही हूँ, शूट भी कर रही हूँ और मैं भी सीख रही हूँ। आप लोग भी देखो और सीखो और घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो दी ये जो गुड़ है ये अच्छे से भी मतलब कि मेल्ट हो गया है और उबाल भी बहुत अच्छे से आना स्टार्ट हो गया। तो आप थोड़ा वो जो ट्रिक बताओगे, आप जल्दी से बता दो ना कि कैसा वो ट्रिक बताओगे। डोला लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए, इसको चेक कीजिए। तो आपका गुड़ देख रहे हैं, एक तो होता कि अगर आपका ये गुड़ जम गया एक साइड, एक जमा हुआ रहा तो इसका मतलब आपका गुड़ हो गया है, और अगर ये पूरा छितरा जाता है, पूरा इधर फैल जाता है, तो इसका मतलब आपका गुड़ नहीं हुआ है। तो यही ट्रिक है कि ये हो गया है, तो मैं इसका गैस को बंद कर देती हूँ हल्के। अच्छा तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर ये अगर नहीं हुआ, अगर गुड़ में थोड़ा भी दिक्कत आ गया तो वो खराब हो जाता है। तो आप लोग इस ट्रिक को एकदम सेव करके रख ले बाद में बनाने के लिए। अब हम इसमें जो चावल पीस के रखे हुए थे उसमें मिलाएंगे, गुड़ में मिला के ओके मिलाना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके देना है ताकि इसको गांठ ना पड़ जाए। अच्छा एकदम अच्छी तरह से मैं इसको मिला ली हूँ। हाँ? अब चलिए मैं इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि इसे क्या करना है। Oh my God! Wow! तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऊपर गैस से हम नीचे आ गए क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी बनेगा, इसीलिए इसको गोल करना है। उसके बाद जैसे हिसाब से मतलब छोटा बड़ा अपना हिसाब से, हाँ देखिए तो वैसे, और इस तरह एकदम गर्मा गर्म निकालना है इसे, और ये तुरंत बन जाएगा, तुरंत फुलके ऊपर हो जाएगा। गाइस आप लोग देख सकते हो माँ गर्मा गर्म पीठा इंजॉय कर रही है। माँ कैसा लग रहा है ये पीठा बताइए ना व्यूअर्स। बहुत मीठा मीठा लग रहा है। और देखिए बहुत ही गर्म है अभी, गर्मा गर्म माँ टेस्ट पहले कर रही कि कैसा हुआ है ये, अच्छा बना है कि अंदर पका है कि नहीं पका है। एकदम अच्छा बन गया ना। चलो माँ एकदम क्यूट सा स्माइल दे रही है, मतलब कि बहुत अच्छा बन गया है। माँ अच्छा बोल दी मतलब कि सक्सेस हो गया हमारा। हाँ हम लोग सीख गए हैं। हाँ माँ बोल रही है अब जाके हम लोग भी टेस्ट करें, लेकिन इस ब्लॉग को एंड करेंगे उसके बाद ही टेस्ट करेंगे हम। तो पापा जी बोल रहे एकदम कुरकुरा बाहर से बनना चाहिए और अंदर से एकदम सॉफ्ट, तो वैसे ही बन रहा है। ये जो हमारा आरसा पीठा है ये रेडी हो गया है। हाँ, और इसका जो प्रोसेस था काफी इजी था, बहुत इजी। हाँ और आशा करेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगे और घर पे एकदम जो जिसे नहीं पता है ना, हाँ, उसे भी ट्राई करना चाहिए और घर में एक बार जरूर आप लोग भी ट्राई कीजिए और बनाए गुड़ पीठा
और जो हम बोलते हैं आरसा पीठा भी बोलते हैं। जो बाकी का है गुड़ पीठा वो तल रहा है। तो मैं आज का ब्लॉग को मैं यहीं तक एंड करूंगी। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा और ये गुड़ पीठा कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके एकदम बताएं, और जिन जिन के घर में बनता है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और आपके घर पे कैसे बनता है आप लोग भी बता सकते हैं। तो आज का ये ब्लॉग बस यहीं तक एंड करती हूँ। ये गुड़ पीठा और आरसा पीठा कैसा लगा आप सभी को कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल में नया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, इससे हमारी ब्लॉग की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मैं मकर संक्रांति का यहीं से आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और आप लोग देखो और इसे घर पे बनाओ, खाओ और खिलाओ। तो आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।